सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल MySirG.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका MySirG.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, पाइथन प्रोग्राम्स बनाने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं एक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने ये चीज़ कभी ना कभी ज़रूर पढ़ी होगी अपनी स्कूल लाइफ में। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे तीन बातों की ज़रूरत है, तीन इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक तो प्रिंसिपल चाहिए, तो मैं एक वेरिएबल पी चाहता हूँ जिसके अंदर कुछ वैल्यू आ जाए और ये सारी वैल्यूज हम यूज़र से इनपुट कराना चाहते हैं। तो पी, आर और टी नाम के तीन वेरिएबल्स हम बनाएंगे और यूज़र से इसमें डेटा इनपुट करवाएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने पाइथन में अभी, क्योंकि आप बिगनर्स होंगे तो अभी आपने शुरुआत में कुछ बेसिक फंक्शंस ही सीखे हैं, जैसे यूज़र से डेटा इनपुट करने के लिए आपने इनपुट फंक्शन को सीख लिया है, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही हमें बेसिक कन्वर्जन फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इंट में कन्वर्ट करने के लिए या फिर फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमें तय करना है कि प्रिंसिपल रेट और टाइम की वैल्यू हमें इंट माननी है कि फ्लोट माननी है। तो मैं अभी कंसिडर करके चल रहा हूँ इस एग्जाम्पल में कि सारी वैल्यूज़ कैसी हैं, फ्लोट टाइप की हैं। ठीक है, तो यूज़र से हम डेटा एंटर करवाएंगे और वो हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इनपुट फंक्शन जो रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल की वैल्यू इनपुट करवानी है। प्रिंसिपल की वैल्यू इनपुट करवाने के लिए मैं यहाँ पर फ्लोट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जो कि कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग को फ्लोट में। स्ट्रिंग कैसे आएगी, इनपुट फंक्शन हमें रिटर्न करके देगा। इनपुट फंक्शन में हम लिख रहे हैं एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो ये एंटर करेगा और यूज़र जो प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करेगा उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और पी में स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट रखने के लिए मैं आर वेरिएबल बना रहा हूँ, इसे भी अगेन फ्लोट में ही कन्वर्ट करना होगा। एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। इसी तरीके से टाइम, इसे भी हम फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम इसे इंट में भी रख सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि प्योर इंटीजर वैल्यू आए, पर सेफर साइड के लिए हमने फ्लोट लिया है। एंटर टाइम, देखिए तीनों वैल्यूज़ हम लोगों ने इनपुट कर ली हैं और तीनों वैल्यूज़ इनपुट होने के बाद हमें सिंपली करना है कैलकुलेशन। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट के लिए एस आई नाम का वेरिएबल ले लिया है और अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। जो भी रिजल्ट आएगा इसका, उसको हमने एस आई वेरिएबल में रख लिया है। अब एस आई वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है, तो हम लिखते हैं प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज़, और हम प्रिंट करा देते हैं एस आई की वैल्यू। दैट्स इट, ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है और अब मैं इसको रन करके आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, तो अमाउंट एंटर किया, फॉर एग्जांपल मैंने 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5। टाइम आई सेड 3 ईयर्स, तो देखिए रिजल्ट आ गया 135, यानी 135 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर आपने 1000 रुपये 4.5% के इंटरेस्ट के साथ 3 साल के लिए जमा किए। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था और आपने जो बेसिक चीज़ें सीखी हैं उनको इस्तेमाल करके इस प्रोग्राम को बना लिया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये लोगों के काम आ सकता है तो जितना हो सकता है अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप करिए, फेसबुक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चले। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलिए, MySirG.com। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।